नमस्कार दोस्तों, इजी टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ यूबीक्यूटी के एयर फाइबर 60 एलआर को, जो कि मैंने डायरेक्ट यूबीक्यूटी की वेबसाइट से ही मंगाया था। मेरी एक साइट पर रिक्वायरमेंट थी इस डिवाइस की, तो मैंने डायरेक्ट इसको परचेज कर लिया वहीं से। अगर आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी इसको परचेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके प्रोडक्ट और फीचर्स के बारे में साथ के साथ हम बात करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपन करते हैं। हमारे बॉक्स में ये सामान हमें मिलता है, पैकिंग तो काफी अच्छी की हुई है। सबसे पहले हमें ये इसका कुछ ऐसा कवर है जिसका इसकी डिश है, डिश एंटीना बोल सकते हैं। देखने में काफी बढ़िया है। ये इसका एंटीना है, काफी भारी है। ये इसकी पीओई है। ये इसकी बैक साइड की माउंटिंग लीड है। ये भी माउंटिंग लीड है। कुछ स्क्रूज ये एक्चुअल जो मेन इसमें एलन की है साथ में, और जिससे अलाइनमेंट वगैरह हम इसको प्रॉपर फिक्स कर पाए, एंगल सेट कर पाए, वो चीज़ इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, काफ़ी हैवी डिवाइस है। साथ में ये भी इसके एक्सेसरीज माउंटिंग किट के साथ है, और एक पावर केबल इसके साथ। तो प्रॉपर पूरे प्रोडक्ट के अंदर हमें ये चीज़ मिलेगी। एक बार मैं इसको अप ये हमारे इस तरीके से लग जाएगा, और ये हमारा ऐसे लग गया। कुछ इस तरीके से हमारा ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा, और ये माउंटिंग किट है इसकी, ये भी हम कर देते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो आखिर में माउंटिंग किट बची है हम इस तरीके से पोल में इसको फंसा पाएंगे। और ये हमारे स्क्रूज हैं इसका एंगल सेट करने के लिए, कि ऊपर करना है या साइड में थोड़ा मूव कराना है, इधर उधर ऐसे ऊपर अप डाउन करने के लिए है। तो बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पीसी के साथ, और
लॉग इन करके एक बार चेक करते हैं कि अंदर हमें क्या क्या फंक्शन मिलेंगे इसके। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमें यह करना है कि ये अपना ऐसे कवर खोल के ये लाइन ये केबल कनेक्ट करनी है और इसको अपने पीओई से पीओई वाले पोर्ट में कनेक्ट कर लेनी है। और जो सेकंड वायर है ये मैंने मेरे पीसी में जा रही है, पीसी के थ्रू कनेक्ट है। तो जैसे कि अभी देख रहे होगे आप, यहाँ पर लिंक हो गई है लाइटें, ठीक है। एक पावर की, एक लैन की, और एक साथ में जीपीएस और 6G की भी लाइट है, बट वो ब्लिंक नहीं हो रही है अभी, ठीक है। तो अभी हमारे पीसी से कनेक्ट हो गया, मैं इसको लॉग इन करता हूँ पीसी की स्क्रीन पे जाके। तो तो दोस्तों मेरे डिवाइस जो है कनेक्ट हो गया है, और मैं अपने लैन का आईपी सेम सीरीज का कर देता हूँ ताकि मेरा डिवाइस ओपन हो जाए। तो मैं डिफ़ॉल्ट आईपी यहाँ जो डाल रहा हूँ 192.168.1.22 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैंने सेव कर दिया एंड एक बार सीएमडी में जाके पिंग लगा के देखते हैं। हमारा पिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारा डिवाइस ओपन हो गया है और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर नेम एडमिन रख लेते हैं, कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे। तो ये डिवाइस अपना कुछ इस तरीके से लॉगिन होने के बाद शो होता है। इसमें एक ब्लूटूथ फंक्शन भी है, आप ब्लूटूथ के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूएनएमएस क्लाउड पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। दोनों फंक्शन यहाँ पर चल जाते हैं। ये यहाँ पर हमारा लोकली डिवाइस दिखा रहा है। अगर हमारा डिवाइस दूसरे किसी डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो रिमोट डिवाइस है वो कनेक्टेड शो होने लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जीपीएस भी इनबिल्ट है डिवाइस के अंदर। जब इसमें हमारा प्रॉपर इंटरनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो हम जीपीएस को भी इसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ऊपर हमारा ये लिंक का डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर थ्रूपुट कितना जा रहा है वो कैपेसिटी यहाँ दिखाएगा, डिवाइस का मॉडल और डेट टाइम यहाँ दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है इसका। यहाँ पर सीपीयू है, मेमोरी है, वायरलेस मोड, सर्विस टाइम, परसेंटेज फ्रिक्वेंसी, इथरनेट लैन स्पीड, जीपीएस के सिग्नल का भी यहाँ दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ वायरलेस में। वायरलेस में लिंक टाइम यूबीएनटी डला हुआ है और एडवांस मोड में कंट्री यहाँ पर ये डली हुई है। इसको अगर मैं हम मास्टर करेंगे तो वेव एआई यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी इसको ऑफ रहने देते हैं। नेटवर्क में आते हैं, हम मैनेजमेंट आईपी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हमें 1.20 मिलता है यूबीक्यूटी की तरफ से, और वाईफाई 6 का भी यहाँ पर सपोर्ट है। मैनेजमेंट वीलैन ऑन ऑफ कर सकते हैं। सर्विसेज में आते हैं, यूएनएमएस ऑन ऑफ कर सकते हैं, पिंग वॉच डॉग है, वेब सर्वर है, एसएसएच है और सिस्टम लॉग भी यहाँ पर मिल जाएगा हमें। लास्ट में एक सेकंड लास्ट एक फ्रेमवेयर का यहाँ हमें वर्जन और यहाँ फ्रेमवेयर अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। रिबूट डिवाइस, डाउनलोड सपोर्ट इन्फो, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन इन्फो, अपलोड कॉन्फ़िगरेशन, लोकल डिवाइस, लोकेट डिवाइस, सॉरी। तो डिवाइस लोकेट करने के लिए भी यहाँ पर मिल जाता है। एयरफ्राइड डिवाइस का नेम हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। एक्सटर्नल रीसेट, ऑटो सेंड क्रैश रिपोर्ट, LED नाइट मोड, टाइम जोन, एंटी पिक क्लाइंट, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और चेंज पासवर्ड। इसके बाद हम आते हैं टूल्स में। टूल्स में आपने देखा होगा ये यूबीक्यूटी के जितने भी वायरलेस डिवाइसेज आते हैं उसमें अलाइनमेंट, डिस्कवरी टूल, पिंग और ट्रेस रूट और स्पीड टेस्ट मिलते हैं। तो बट इसमें यह है थोड़ा देखने का यूज़र इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है, बाकी सभी फंक्शन सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मैं आपको एक बार जो यूबीक्यूटी की वेबसाइट है वहाँ पर लोकेट करके एक बार इस डिवाइस की बाकी फंक्शन चेक करेंगे, वहाँ पर डिटेल में इन्होंने क्या दिया हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको स्टोर भी दिखाऊंगा जहाँ से मैंने इसको परचेज किया। ये हमारी यूबीक्यूटी की वेबसाइट है और इनके स्टोर पे चलते हैं। स्टोर में यहाँ पर कंट्री हम इंडिया कर लेते हैं, और इंडिया करते ही वायरलेस प्रोडक्ट, वायरलेस प्रोडक्ट में हमारा यूबीक्यूटी एयर फाइबर 60 LR, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ 60 GHz का ये फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, 1.9 GBPS मैक्सिमम थ्रूपुट निकालता है, 12+ किलोमीटर का इसका रेंज है, और ब्लूटूथ भी है इसके अंदर, क्योंकि इसका जो वेब और मोबाइल इंटरफेस से जो आप इसकी एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप इसको कन्फिगर कर लोगे, और इसके अंदर जीपीएस एंटीना भी माउंटेड है।
तो आपको कभी भी चेक करना हो कि ये किस लोकेशन पे है, कहाँ माउंटेड है, तो वो भी आपका इजीली चेक हो जाएगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ दी हुई है, ठीक है, मैनुअल्स भी दिए हुए हैं, आप खुद जाकर वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। और साथ में मैं बताऊँ, इसमें कंपनी 2 साल की वारंटी भी देती है, कस्टमर सर्विस और शिपिंग जो देती है 2 से 5 दिन मैक्सिमम लगाती है एक सिंगल ऑर्डर को डिलीवर करने में। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यूबीक्यूटी के बाकी प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, वो इसके एक्सेस पॉइंट हैं जो कि हम घर में या ऑफिस में लगाते हैं, इंडोर में या आउटडोर में। ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कह सकते हैं उसको, मतलब क्लाइंट बेस्ड डिवाइस है, जब हम फ़ोन या लैपटॉप वगैरह चलाते हैं ना उसमें यूज होते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन सा डिवाइस है वो। ये सॉरी यहीं पर है, ये एक्सेस पॉइंट U6 LR, U6 Lite। तो अभी क्या है ना, 6G वाला जमाना है, और जो इंडोर वाईफाई है वो आपके अभी डुअल बैंड 5.8 GHz वाले चल रहे हैं AC सीरीज में। तो अभी वाईफाई 6 भी आ चुका है मार्केट में, बट अभी क्या है कि नॉर्मली जो हमारे घर की ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड है 400-500 Mbps है, अभी ये और बढ़ने वाली है। कुछ कंपनियों ने बढ़ा भी दिया, 1 Gbps भी कर दिया है, और 1 Gbps के ऊपर भी अभी प्लान कुछ साल के अंदर आ ही जाएंगे। तो आपको डेफिनेटली इन प्रोडक्ट के ऊपर मूव करना ही पड़ेगा, मतलब वाईफाई 6 के ऊपर। तो अगर आपको अभी परचेज करना है कुछ प्रोडक्ट, तो वो भी एक्सेस पॉइंट में, तो मैं कहूँगा वाईफाई 6 के ऊपर ही जाएं। और एक्सेस पॉइंट तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप यूबीक्यूटी के खरीदें, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है कि इसके टक्कर का मुझे कोई भी एक ऐसा एक्सेस पॉइंट नहीं लगता कि वो इनकी टक्कर में कहीं भी टिकता है। इनके मैंने प्रोडक्ट काफ़ी पहले, बहुत पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इनकी टक्कर में माइक्रोटेक भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि वो भी ठीक काम करता है, लेकिन इनकी जो कस्टमर सर्विस है और वारंटी है वो माइक्रोटेक में बहुत दिक्कत है, वहाँ पर वो चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं जो मुझसे क्लियर करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।